बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों में हार्ट फेलियर का होना, ये सुनने में बड़ी अजीब बात लगती है कि क्या बच्चों को भी हार्ट फेलियर का मर्ज हो सकता है? क्योंकि अमूमन ये हार्ट फेलियर का मर्ज बड़ों में हार्ट अटैक्स के बाद या ब्लड प्रेशर की सूरत में या वाल्व के मसाइल, बहुत सी वजहें होती हैं। और बच्चों के अमराज अमूमन क्या होते हैं? पैदाइशी नकायस, जिनके बारे में हम प्री डिस्कशंस भी कर चुके हैं कि पर्दे में सुराख, नालियों का टेढ़ा होना और बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको ये सुन के हैरत होगी कि बच्चों में दिल की कमजोरी यानी हार्ट फेलियर का हो जाना बिल्कुल उसी तरह जैसे बड़ों में होता है। यहां पे वजह डिफरेंट होती है। अमूमन बच्चों में हार्ट फेलियर की वजह एक मर्ज जिसे हम वायरल मायोकार्डाइटिस या और रीजन से मायोकार्डाइटिस, एक ऐसा मर्ज जो डायरेक्टली दिल के पट्ठों को मुतासिर कर देता है और दिल के पट्ठे एकदम से कमजोर हो जाते हैं। कॉमनली ये किसी वायरस इन्फेक्शन के नतीजे में होता है कि ऑटो इम्यून सिस्टम आपका कुछ इस तरह से हरकत करता है कि वो आपके बच्चे के दिल के पट्टों को, वायरस को, जब वो नबज आजमा होता है वायरस से, तो दिल के पट्टों को भी मुतासर कर देता है। अच्छा, अच्छी बात वायरल मायोकार्डाइटिस की ये होती है कि वक्त के साथ ये बेहतर भी हो जाता है। तो ये मायोकार्डाइटिस अक्सर बच्चे रिकवर कर जाते हैं। ये बात क्यों मेरे जहन में आई? क्योंकि आज ही मैंने एक बच्चों के अमराज में अमूमन देखता नहीं हूं, लेकिन शायद सोशल मीडिया की वजह से लोग अक्सर अपने मर्ज की, स्पेशली बच्चों से मुतालिक, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, तो वो सुनना और समझना चाहते हैं कि भाई मर्ज क्या है और इसका फ्यूचर क्या है और बच्चे पे इसके असरात क्या होंगे। लेकिन याद रखिए, जिस दौरान जब तक वो दिल में कमजोरी मौजूद हो, तो उस दौरान आपको वो तमाम दवाइयां जो आपके डॉक्टर ने बच्चे को दी हुई हैं वो देते रहनी है। बच्चा क्योंकि खुद अलामतें नहीं बताता है, तो ये देखना होता है कि बच्चे को सोने में डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। सोते हुए अगर उसका लेटे हुए सांस सब घुटता है और उसको बैठना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है जिस्म में पानी की मकदार ज्यादा हो रही है और आपको डॉक्टर से मशवरा करना है। तो आज की वीडियो का बुनियादी मकसद ये था कि ये बताना कि बच्चों में भी कभी कभार हार्ट फेलियर या दिल की कमजोरी हो सकती है, जो अक्सर वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में होती है। अलामतें वही होती हैं कि सांस बहुत ज्यादा चढ़ने लगता है इन बच्चों को, और कभी कभार धड़कन की तेजी आती है जिससे पता चलता है कि मसला कोई हो गया है। तो ये अगर आपके बच्चे में खुदा ना खास्ता कभी बुखार, खांसी और उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद सांस में बे इंतहा इजाफा हो रहा है, बच्चे से लेटा ना जा रहा हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सिंपल एक टेस्ट इको, जिससे दिल का स्टेटस पता चलता है। बाकी कभी पर बहुत से टेस्ट किए जाते हैं जिससे अंदाजा हो कि ये मायोकार्डाइटिस ही है या कुछ और मसला तो नहीं है जिसने दिल के पट्टों को कमजोर कर दिया है। तो उम्मीद है ये वीडियो ये समझाने में मददगार होगी कि बच्चों में भी हार्ट फेलियर का मर्ज हो सकता है। शुक्रिया।